भाइयों और बहनों, हम सभी भाग्यशाली हैं जिनको गुरुओं का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, मनीषियों का मार्गदर्शन मिला है। गुरुओं का ये ज्ञान, ये महान परंपरा ऐसे ही हमारी पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष ही मगहर में संत कबीर जी से जुड़े स्मारक की आधारशिला रखने में खुद गया था। इसी तरह सारनाथ में भगवान बुद्ध से जुड़े संस्कारों को, पवित्र स्थानों को संरक्षित किया गया है, सुंदरीकरण किया गया है। इसी प्रकार हम गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती के समारोहों को पूरी दुनिया में व्यापक स्तर पर मना रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, उसको पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान मिले, इसके लिए हमारी सरकार, भारत सरकार और राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह समर्पित है। हमारी ये समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हमारी शक्ति है, हमारी प्रेरणा है। आपका जीवन आसान हो, इसके लिए गुरु रविदास जी के दिखाए रास्ते को हम और सशक्त करने वाले हैं। एक बार फिर आप सभी को पूज्य गुरु रविदास जी की जयंती, जन्मस्थली के विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।